साथियों नमस्कार साथियों अभी आपने मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो लॉन्च किया है जिसका हेडिंग है बी रेडी टू स्टार्ट वर्किंग अब इसको देख के आप में से बहुत सारे लोग ज़रूर ऐसा सोचा होंगे कि कल तक तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे और आज एकदम से इतने पॉजिटिव क्यों हो गए देखिए कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है जो पेमेंट इशू है वो तो है ही है लेकिन दूसरी बात ये है कि एक्रेडिया का एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि एक्रेडिया नाम की क्या कोई कंपनी है क्योंकि पहले आर हुआ फिर एक्रेडिया हुआ फिर इसको हमने पूरे इंटरनेट पे सब जैकोड़ा वो मिला नहीं फिर आपको मैसेज भेज दिया हमने कि साहब मिला नहीं तो ये पूरा वीडियो वायरल हो गया सब जगह चला गया सब जो लोगों ने देखा इसको सब लोग परेशान हो गए स्वाभाविक बात है होना ही है तो अब इसके बाद होता क्या है इसके बाद होता ये है कि हमारी कोर टीम की बातचीत मैनेजमेंट से होती है और उस तरीके का लिंक उनको मिलता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आपको जाके देखोगे तो आपको ये मिलेगा हुआ यह था कि जिस समय ये कंपनी शुरू में बनी थी तो उस समय जो ये न्यू कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो लेट हुआ और लेट होने की वजह से वो कंपनी उन उस जगह पर पोस्ट नहीं हुई हुई जब पोस्ट नहीं हुई तो वो हमें दिखती नहीं तो इसलिए गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जब इसमें गए हमारे लीडर्स हमारे जो भी कोर मीटिंग के कोर कमेटी के जो लोग हैं वो गए तो उन्होंने देखा कि इसमें कौन जो है इसमें ए, कब कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है और कब उसका जो है पूरा का पूरा सिस्टम बना है और हमारी कंपनी से कैसे उसका टाइप हुआ है इवन यहाँ तक भी देख लिया गया कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ़ दिस कंपनी ये भी पता चल गया हमको अभी मैं बताऊंगा आपको तो यहाँ पर अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि जो हमारी लाइव देखने के बाद आपको काफ़ी भरोसा हो जाएगा कि मैं खुद क्यों भरोसे में आया नहीं तो मैं भी नहीं आता ठीक है आप जानते हो मैं कितना टेढ़ा आदमी हूँ आता नहीं हूँ आराम से लेकिन अगर मैंने चीज़ें देखी हैं तभी मैं आया हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये यह गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी रजिस्ट्री ठीक है और यहाँ से मैं आपको सब चीज़ दिखाता जाता हूँ इसमें डेट देख रहे हैं आप इसकी डेट है 29 अगस्त 2022 29 अगस्त 2022 को ये कंपनी गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्ट्री कंपनी रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड होती है और इसका डिटेल ये सारी उस दिन उनतीस अगस्त को ये सोचिए इतनी सारी कंपनियां जो रजिस्टर्ड हुई हैं तो जो एक्रेडिया है वो कहाँ पर है ये देखिए जो एक्रेडिया है ये आप देख रहे हैं ट्वेंटी थ्री नंबर पर एक्रेडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ये ट्वेंटी थ्री नंबर पर ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जिसका सी आर नंबर ये है थ्री वन एट थ्री सिक्स थ्री ज़ीरो और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है बाईस अगस्त दो हज़ार बाईस को ये हुई है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड तो आपने देखा कि ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल हमें मिल गई है तो जो हमारा एक बहुत बड़ा डाउट था कि क्या हो रहा है क्या ये कंपनी है या नहीं है या कहाँ पर फंसे हुए हैं तो एक चीज़ ये तो क्लियर हो गई है कि ई स्टोर इंडिया इज़ नाउ इंटरनेशनल कंपनी इसके बाद भी मेरी पीछे कुछ समय पहले बात हुई थी फैज़ान साहब से कि वो शमशास जी से बात हुई थी तब उन्होंने मुझे बताया था ये बात कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो ग्रुप जो है यहाँ पर ऑनलाइन परचेजिंग ऑनलाइन सेल करने में मास्टर है ऑनलाइन सर्विसेज़ देने में मास्टर है तो आने वाले समय में आपको ऑनलाइन सर्विसेज़ मिलेंगी और लोग अपने आप से डिस्काउंट रेट के ऊपर सामान खरीदेंगे वो डिस्काउंट क्या होगा कैसे होगा वो सब बाद में पता चलेगा लेकिन यह है कि मेरा मानना है कि इस इसी डिस्काउंट को कंटिन्यू किया जा सकता है अगर कंपनी चाहे तो 33 परसेंट डिस्काउंट को कंटिन्यू किया जा सकता है अगर कंपनी चाहे तो इसमें कोई दो राय नहीं है वो कैसे करेंगे क्या करेंगे ये उनका अपना मैटर है क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो लोगों के वॉलेट कैसे यूज़ होंगे आप समझ सकते हैं वॉलेट यूज़ करने के लिए तो वही एक एकमात्र रास्ता है तो आज आपके पास में मतलब कंपनी की तरफ से जो एक ये बहुत बड़ा डाउट था ये हमारा डाउट क्लियर हो गया है तो इसलिए देखिए हम कोई हमारी हमारी कोई ख़राब बात होगी तो भी हम कहेंगे और कंपनी को कोई अच्छी बात होगी तो हम वो भी कहेंगे ऐसा नहीं है कि हम कोई हमेशा कंपनी की खराबी बात पकड़नी है हमने ऐसा नहीं है हमें तो केवल वो बात पकड़नी है जो वो बात पकड़नी है हमने कंपनी की जो हमारे को सूट करे तो ये सूट कर रही है हमारे को इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आज मैं पॉजिटिव हूँ इसको लेकर पहले भी पॉजिटिव था निगेटिव तब भी नहीं था लेकिन पैसे नहीं आएंगे तो निगेटिव तो होंगे अब ये सब कुछ भी हो जाए उसके बाद भी पैसे नहीं आएंगे तो अभी निगेटिव रहूँगा <laughs> ये तो बात सच है पैसे तो चाहिए ही चाहिए सभी को चाहिए और सबके लिए सबके लिए हम लोग आपस में एक कंपनी की खुद से लेके कोर कमेटी हमारी जो है इसके फाइट कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी समाधान हो जाना चाहिए क्योंकि फैजान सर जो है ऐसे आराम से जो है उन्होंने अगर ये कहा है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम तो इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब है ठीक है तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि हम एक बड़ा काम करने जाएंगे अगर ये सब कुछ अच्छा हो जाता है हम भी कोई लीगल केस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं ना हम हम तभी जाएंगे जब 20 तारीख की जो डेट है वो क्रॉस करेगी तो अगर हम अग सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा तो हम भी क्यों जाएंगे ठीक है दोस्तों Okay, thank you.